गुड मॉर्निंग, नमस्ते मित्रों। नाम राजीव आज़ाद, पेशे से लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, सेव डॉट अ क्रूसेडर। जैसा कि कुछ लोग जानते होंगे, मैंने एक जून चैलेंज लिया हुआ है। जून चैलेंज में आपको पर डे मिनिमम 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। एवरेज मेरा 10 किलोमीटर पर डे आ रहा है। तो आज का जो जून चैलेंज, जो जून चैलेंज है जो मैंने रनिंग की है, उसे मैं डेडिकेट करना चाहूँगा अपने दो खास लोगों को। एक मेरा साथी कल इस दुनिया से चला गया, बहुत दुख की घड़ी है हम सब के लिए, उसके परिवार के लिए। पंकज यादव, जिसे हम चैट पर डॉन के नाम से जानते थे, बहुत ही शानदार लड़का, जोश से भरा हुआ, कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, फौजी का बेटा था और फौज में ही उसने ज्वाइन की। हमेशा जोश से भरा रहता था। हमने कुछ काम किए थे अपनी सोसाइटी के लिए, समाज सेवा के लिए, तो हमारी टीम में उस लड़के का एक खास योगदान रहा करता था हमेशा। मुझे याद आता है 26 जनवरी 2010 का एक वाक्या, चैप्टर डॉन पंकज। हमने 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस जिसे हम कहते हैं, वो सेलिब्रेट करने का प्लान किया था। तो मैं था, पंकज, चैप्टर डॉन, यूटी यादव के पिताजी उसमें सभासद थे, उनको हमने इनवाइट किया था एज ए चीफ गेस्ट। कुछ और भी साथी थे। तो हमारा ये प्रोग्राम था कि हम बच्चों को मोटिवेट करें, उनको तिरंगा बांटें, कुछ देश के बारे में समझाएं। उस लड़के का जोश देखते ही बनता था। फिर हमने कुछ जागरण किए अपनी टीम से मिलके, जो हमारी टीम है इसमें रजत खंडेवाल, नीटू यादव जैसे युवा शामिल हैं। और जागरण के दौरान भी उस युवा का, चैप्टर डॉन का, बहुत ही बहुमूल्य योगदान रहता था। ही वॉज जस्ट रिमार्केबल, ही वॉज जस्ट अमेजिंग, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, फुल ऑफ एनर्जी। शायद समय को यही मंजूर था कि वो समय से पहले हमारे बीच से चला गया। एक दूसरा युवा है, उसे भी आज मैं याद करना चाहूँगा, इनके साथ बचपन के कुछ समय बिताए, इनके साथ युवा जिंदगी के कुछ पल बिताए, मेजर दीपक यादव। बहुत ही होनहार लड़का था दीपक। बीएससी सेंट जॉन्स कॉलेज से की एमए किया, हरी वर्दी पहनने का उसका एक सपना था। दीपक यादव ने हरी वर्दी पहनी, आर्मी एजुकेशन कोर्स ज्वाइन की। एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद कितना संघर्ष करना पड़ता है एक अफसर बनने के लिए, ये हम सभी जानते हैं। मैं भी एक सामान्य परिवार में मेरा जन्म हुआ है, अभी भी प्रयास जारी है कुछ बड़ा करने के लिए। कुछ ऐसी मंजिलें तय करनी है जीवन में जो नियर टू सम इम्पॉसिबल हैं, ऐसी मंजिलें जो देश को समर्पित हैं, ऐसी मंजिलें जिन्हें सुनकर मेरे माँ बाप फ़ख्र कर सकें, मेरे भाई बहन फ़ख्र कर सकें, युवा पीढ़ी को कुछ सिखा सकूँ, वो तमन्ना है। तो दीपक यादव ने अपनी छोटी सी उम्र में वो कर दिखाया जो बहुत कम कर लोग कर पाते हैं। उस युवा ने एज एन ऑफिसर इंडियन आर्मी ज्वाइन की, मेजर की पोस्ट तक पहुँचा, जो 2010 के एक दुखद हादसे में मेजर दीपक यादव इस दुनिया से चले गए। 2010 में एक सुसाइड बॉम्ब अटैक के अंदर मेजर दीपक यादव की अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई। उस युवा को कोटि कोटि नमन। मेजर दीपक यादव के नाम से हमने इस साल एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हम उनके नाम से डिफेंस कॉलोनी में एक द्वार बनवाएं, एक गेट बनवाएं। प्रयास जारी है, कोशिश जारी रहेगी कि इस युवा के लिए, उस युवा की यादें हम जिंदा रखें, उन युवाओं उन यादों के सारे कुछ लोग सीख सकें। जो उपलब्धि थी उस युवा की, उस उपलब्धि से कुछ लोग इंस्पायर हो सकें। प्रयास जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के अंदर जो जिस प्रकार का सम्मान यादवों को प्राप्त है, जिस प्रकार का दबदबा यादवों का है, वो दूसरी कास्ट को नहीं मिलता है, ये आप सब जानते हैं। तो मुझे उससे कोई परहेज नहीं है।
समाजवादी पार्टी में यादव हों या ठाकुर हों या मुस्लिम हों, मुझे उससे परहेज नहीं है। मार्च में इसी महीने मेरी मेजर दीपक यादव के ससुर जी से डिस्कशन हुआ था आगरा में, तो उनके ससुर जी का कहना था कि हमने बहुत रिक्वेस्ट की मुलायम सिंह यादव जी से, अखिलेश यादव जी से, कि एक सड़क का नाम मेजर दीपक यादव के नाम से रख दिया जाए। बहुत समय बीत चुका है, अभी भी उस मेजर दीपक यादव को वो सम्मान नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, भारत सरकार ने उस मेजर दीपक यादव को शौर्य चक्र से नवाजा है। शौर्य चक्र अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जिस व्यक्ति को शौर्य चक्र मिला हो, उस व्यक्ति के नाम से उसके गांव में एक सड़क नहीं है, उस व्यक्ति के नाम से उस व्यक्ति के नाम से हमारी एरिया में एक छोटा सा द्वार नहीं है। शर्म से डूब मरना चाहिए हमें। और ये जो यादव बोलते हैं ना अपने आप को, आगरा के यादव समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता बनते हैं, कृपया करके कोशिश कीजिए उस दीपक यादव को वो सम्मान मिल सके जिसका वो हकदार था। हम प्रयास करेंगे कि फौजी पंकज यादव और दीपक यादव के नाम से कुछ इनिशिएटिव लिया जाए हमारी डिफेंस कॉलोनी में, जिससे कि युवा उनसे प्रेरणा ले सकें। जो युवा डिफेंस कॉलोनी के हैं, आगरा के हैं, फौज का सम्मान करते हैं, डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं, डिफेंस कॉलोनी के आसपास रहते हैं, किशन कुशवा जी हैं, रजत खंडेलवाल, नीटू यादव, सोल्ला के कुछ युवा मित्रों, हमें इन युवाओं की यादों को जिंदा रखना है। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि इन युवाओं से दूसरे युवा भी प्रेरणा ले सकें। उसके लिए हमें भरसक प्रयास करना पड़ेगा। एक शायर के दो शब्द कहना चाहूँगा, शहीदों की मज़ार पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का आखिरी बस यही अंजाम होगा। मित्रों, आज की जो रनिंग थी मेरी जून चैलेंज की, मैंने डेडिकेट की है शहीद मेजर दीपक यादव को, और एक दुखद हादसे में हमसे बिछड़ गए युवा फौजी पंकज यादव उस चैप्टर डॉन को। पंकज और दीपक, आप हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। पंकज यादव, आप हमेशा चैप्टर डॉन की तरह थे, चैप्टर डॉन की तरह ही आप याद किए जाएंगे। डॉन नेगेटिव वर्ड माना जाता है, लेकिन आपने डॉन को एक पॉजिटिव वर्ड के रूप में साबित करके दिखाया। जो कार्य आपने हमारे साथ मिलकर किए वो बहुत सराहनीय थे। आप दोनों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। अब दोनों हमेशा हमारी यादों में मौजूद रहेंगे। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।